हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी के यू साइड आर एल के पैरेलल है। तो हम ये लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कौन कौन सी साइड हमको पैरेलल दी हुई है। तो इसमें आपको के यू पैरेलल दी हुई है आर एल के, और के आर साइड पैरेलल दी हुई है एस आई के, और यू एल साइड पैरेलल दी हुई है आपको ई सी के, और आपको एंगल दिया हुआ है के की वैल्यू 120 डिग्री, और आपको दी हुई है एंगल एल की वैल्यू 70 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है ये बीच वाला एंगल एक्स क्या है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे फाइंड करना है। हम समरी पहले आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये के एस आई आर एक पैरेललोग्राम हो जाता है जिससे आपको एंगल एस फाइंड करना है इस पैरेललोग्राम में, और उसके बाद फिर एंगल ई फाइंड करना है आपको इस पैरेललोग्राम में, जो एक पैरेललोग्राम है फाइंड करना है इसकी हेल्प से। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एस, उसके बाद हम लगाएंगे एएसपी इस ट्रायंगल में जब दो एंगल फाइंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन पैरेललोग्राम के आर आई एस, के आर आई एस में हम पैरेललोग्राम ये लेंगे और इसमें हम फाइंड करेंगे एंगल एस। तो आप देखते हैं इसमें एंगल के और एंगल एस का जो सम है वो आपका 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल है इसलिए इसका सम 180 है। अब यहां पे आप के की वैल्यू रखेंगे और एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने यहाँ के प्लेस पर के की वैल्यू रखी और हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 120 को आरएचएस में ले जाएंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आपकी एस की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम वर्क करेंगे ई फाइंड करने के लिए। तो ई को फाइंड करने के लिए हम इन पैरेललोग्राम EULC इसमें वर्क करेंगे। तो देखिए, ये अपोजिट एंगल है 70 का, तो एंगल L इक्वल टू है एंगल E के, जो कि 70 डिग्री है। तो यहां पर आपका ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो आपका ये भी आ गया एंगल ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम लेंगे इस ट्राइंगल ई ओ एस में, तो इन ट्राइंगल ई ओ एस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, किसी भी ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180, और यहाँ आप लिखेंगे ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ई की वैल्यू आपके पास है 70 डिग्री और एस की वैल्यू, तो यहाँ इस तरह से आपने ई की वैल्यू रखी 70, एस की 60 और ओ की एक्स है, आपको एक्स फाइंड करना है। अब आपको ट्रांसपोज करना है, तो इन दोनों का सम हो जाता है 130 डिग्री, एक्स एज इट इज 130 इधर जाके आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बने रहें अपने चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। हम आपके लिए लाते हैं इसी तरह से एनसीईआरटी मैथ्स के इजी सॉल्यूशन।
अगर इजी सॉल्यूशन आपको ये चाहिए होते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आपको सभी 6th to 10th क्लास तक के सभी NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज चैप्टर वाइज आपको लाते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं आपको हर सभी सवालों के सॉल्यूशन मिले तो बने रहें अपने चैनल पर IN-1-7-1-9-3 पर। इसको सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलें। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करें और पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे आपके पर्सनल नंबर पर भी।